जनपद में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इस खराब मौसम में दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित की जा रही हैं। बड़ी मूर्तियों को क्रेन की मदद से विसर्जन किया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा 3 जगहों पर 5 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। बारिश होने की वजह से लोग प्रतिमाओं को प्लास्टिक से ढक करके विसर्जन के लिए ले गए ताकि प्रतिमा भीग ना पाए। राप्ती तट पर बने विसर्जन स्थल पर जाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मूर्ति को अपने सर पर भी लेकर आ रहे थे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने मूर्ति विसर्जन की तैयारियों पर कहा कि बुधवार को विजयदशमी का पर्व है तथा मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। जनपद ने मूर्तियों के साथ विसर्जन के लिए एक नोडल अधिकारी को तैनात किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है कि जहां पर मूर्ति स्थापित की गई है वह विसर्जन स्थल तक साथ में जाएंगे। इसके साथ RAF के साथ SSB जवानों की भी मूर्ति विसर्जन को संपन्न कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जो कि मूर्ति विसर्जन के मार्ग को क्लियर रखेंगे। उन्होंने बताया कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा 3 तालाब बनाया गया है। मूर्ति विसर्जन स्थल पर लाइट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शहर में 962 मूर्तियों का विसर्जन होना है और पूरे जनपद में 3000 से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित हुई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में पूरे प्रदेश में महानवमी का पर्व हुआ, उसके बाद में आज विजयदशमी है। आज के बाद में सारी मूर्तियों का विसर्जन होना है। जनपद गोरखपुर में स्पेसिफिकली हमने इंश्योर किया है कि प्रत्येक मूर्ति के साथ एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है, जिसका मुख्य कार्य मूर्ति जहां पे स्थापित की गई है वहां से विसर्जन स्थल तक वो साथ में जाएंगे, एवं उसके साथ साथ RAF एवं SSB की फोर्स भी लगी है ताकि उस सुरक्षा की दृष्टि से चौकन्ना रहकर रास्ते को क्लियर रखेंगे, एवं उसके साथ साथ सभी मूर्तियाँ शांतिपूर्वक विसर्जित की जाए इसके लिए 3 तालाब बड़े बड़े तालाब खुदवाए गए हैं नगर निगम द्वारा, एवं नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का मूर्ति विसर्जन करने में सामने ना आए। 962 मूर्तियां हैं वो विसर्जित होनी है, एवं पूरे जनपद में 3000 से ज़्यादा मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। थैंक यू।